स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो आज 10th पास आउट करने के बाद थोड़ी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहते हैं टू चूज द सब्जेक्ट, और उनके लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि बच्चा स्टेट बोर्ड में रहे या सीबीएसई बोर्ड पर आए। देखिए, आप अलग अलग स्टेट में रहते हैं तो आपका एक अपना स्टेट बोर्ड होता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे पास एक छत्तीसगढ़ बोर्ड है और एक है सीबीएसई ऑल ओवर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आपके पास ऑल ओवर इंडिया जो बोर्ड चलता है उसमें अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो अगर वो शुरुआत से उसी बोर्ड में है तो वो उसके पैटर्न से अवेयर रहता है कि आपके किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, दोनों ही बोर्ड पर अब स्टेट बोर्ड ने भी एनसीईआरटी बुक्स अप्लाई कर दी हैं। तो अगर हम पोर्शन वाइज देखें तो दोनों ही बोर्ड में सेम सिलेबस होता है। क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम सीबीएसई बोर्ड करेंगे तो शायद हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा या पैटर्न, वो तो सिलेबस सेम रहता है बट पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन पेपर, ये बात आप हमेशा याद रखिए, जो एग्जाम पैटर्न होता है सिर्फ आपका वही डिफर करता है स्टेट बोर्ड में, साथ ही सीबीएसई में। आप इस बात पे बस ध्यान दीजिए, अगर आप कोप अप कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 10th तक स्टेट बोर्ड किया है, सपोज मैं बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड का, अगर आपने छत्तीसगढ़ बोर्ड तक 10th करी है या एमपी बोर्ड से 10th की है या यूपी बोर्ड से 10th की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीबीएसई में 11th 12th कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट आपको थोड़ा सा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे वर्कआउट करना पड़ेगा, दैट्स इट। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में कुछ अलग होता है और सीजी बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में अलग, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है बट थोड़ा सा स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में टफनेस का लेवल डिफरेंस हो जाता है। यानी स्टेट बोर्ड में आप लिटिल इजियर क्वेश्चन पेपर पैटर्न फील करते हैं तो आप उसमें परसेंटेज बहुत गेन कर सकते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को ये सलाह देती हूँ कि जो बच्चे वीक होते हैं बट वो फिर भी साइंस मैथ्स बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो बेटर ऑप्ट योर स्टेट बोर्ड। अगर आपका सीजी बोर्ड एज कंपेयर टू सीबीएसई इजी है देन गो फॉर द स्टेट बोर्ड स्कूल सो दैट यू कैन गेट वेरी गुड परसेंटेज। क्योंकि बच्चे जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपके 12th की मार्कशीट में आपके परसेंटेज इंपॉर्टेंट है ना के बोर्ड, करेक्ट। लेकिन हाँ, बोर्ड के लेवल से आप ये जरूर होता है कि आपके एनसीईआरटी में स्किल कॉम्पिटिटिव, थोड़ा सा एप्लीकेशन और बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जिसमें आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ता है, तो डेफिनेटली आपका जो पढ़ने की स्टाइल है वो बहुत अच्छी होती है। स्टेट बोर्ड क्योंकि थोड़ा इजी पैटर्न करता है, थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चों की एक स्किल, एक टैलेंट, बहुत ज्यादा बुक रीडिंग वो बहुत वो प्रैक्टिस नहीं करता है। बट इवन देन अगर आप परसेंटेज के पीछे हैं और कोई और साइड बाय साइड कंपटीटिव एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई भी स्टेट बोर्ड ऑप्ट करिए और 12th में अच्छा परसेंटेज लेके आइए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इज द परसेंटेज यू आर गेटिंग इन योर 12th एग्जाम। देखिए, आप नहीं जानते सिनेरियो क्या होगा, आज कोविड के कारण क्या हुआ, बहुत से कॉलेजेस परसेंटेज बेसिस पे आपको एडमिशन दे रहे हैं, तो जिन बच्चों ने जो स्पेशली आईआईटी या नीट या इस तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक परसेंटेज क्राइटेरिया रखते हैं कि ठीक है मेरा 80 भी आया तो मैं वहां के लिए क्वालिफाई हूं, लेकिन आप उस 80% के साथ क्या करेंगे जहां कट ऑफ 95 जा रहा है या 99 जा रहा है। तो थिंक ओवर इट। पेरेंट्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे अगर आपके केपेबल बहुत ज्यादा अगर प्रेशर ले रहे हैं तो बेटर आप उनको स्टेट बोर्ड दीजिए ना कि उनको सीबीएसई में दीजिए। और सीबीएसई में अगर वो कर सकते हैं, पैटर्न उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो नो डाउट उनको सीबीएसई बोर्ड करने दीजिए, स्टेट बोर्ड से निकाल लीजिए, एज अप टू योर चॉइस एंड द कैलिबर ऑफ योर चाइल्ड, जस्ट एनालाइज इट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, जब आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो ध्यान रखिए, क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड में सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसके अलावा इंग्लिश है प्लस एक ऑप्शनल है। तो अगर आप 11th 12th में कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम सोच रहे हैं, कोचिंग सोच रहे हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपना 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट इजी रखिए।
लाइक आप फिजिकल एजुकेशन ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अच्छा एक स्कोप वाला है वो ले सकते हैं, या ह्यूमन राइट्स के कहीं और भी बहुत से सब्जेक्ट आपको सीबीएसई साइट पे दिखेंगे जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो डेफिनेटली आप सीएस और आईपी भी ले सकते हैं, बट आपको उन पांचों सब्जेक्ट में मेहनत करनी है तो आपका ऑप्शनल आपके कैलिबर के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ स्टेट बोर्ड में आपको ऑप्शंस जो होते हैं वो इंग्लिश हिंदी रहता ही है, सो दैट यू हैव टू डू, तो आप पूरा फोकस कर सकते हैं आपके मेन सब्जेक्ट में, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी मेरा कहना यही है कि अकाउंट्स इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इज योर मेन सब्जेक्ट, तो कॉमर्स में अगर आप फोकस करना चाहते हैं इसका मतलब आप सीए आईसीडब्ल्यूए या बीबीए एमबीए ये करना चाहते हैं तो आप लोग उसके हिसाब से ऑप्शनल लीजिए, क्योंकि आपके लिए फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मेन फोकस अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पे होना चाहिए अलोंग विद इकोनॉमिक्स, क्योंकि आजकल पेपर पैटर्न चेंज हो गए हैं, केस स्टडीज आती हैं, अकाउंट्स के पेपर लिटिल डिफिकल्ट आते हैं, सो यू स्टार्ट योर प्लानिंग इन द 10th वेकेशन टू टेक द सब्जेक्ट इन 11th। पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप एनालाइज किया करिए कि आपका बच्चा कौन से बोर्ड पर और कैसे करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।